गुड मॉर्निंग एक बार फिर, बीच में अटक गए थे। कल पढ़ा था भैया लेसन नंबर 8 के अंदर क्या, हरित लवक पूरा हो गया था। उसके कार्य बचे हैं, देखो तो देखो हरित लवक के कार्य क्या क्या हैं, सुनना भैया ध्यान से। हरित लवक के कार्य देखो, पहला कार्य तो है भैया इसका, सबसे मेन कार्य है प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक का पहला कार्य भैया प्रकाश संश्लेषण, ये पहला कार्य है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भैया, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कैसे, सुनना भैया, पौधे जो होते हैं ये वातावरण से 6 CO2 लेते हैं, 6 जल के अणु लेते हैं। आजकल इस 6 की जगह 12 लिखाई में आ गया, 12 काम आएंगे, 6 निकल जाएंगे वापस। पर अभी अपन सिंपल बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। पहला कार्य भैया हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण, और उसमें पौधे 6 CO2 6 जल के अणु को ग्रहण करते हैं। देखो एक तो प्रकाश की उपस्थिति और एक पर्णहरित, जानते हो ना पर्णहरित, हरित लवक के अंदर भरा हुआ रंग वर्णक। और पौधे बनाते हैं भैया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। ये होती है भैया प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, यानी 6 CO2 6 H2O 6 H12O6 ग्लूकोज और 6 O2। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, O2 छोड़ते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं भैया, भोजन का निर्माण। तो पहला कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, ये पहला कार्य। दूसरा कार्य भैया, पौधे जो होते हैं एक विशेष क्रिया और करते हैं भैया, जिसका नाम है भैया फोटोफॉस्फोराइलेशन। हरित लवक का दूसरा कार्य भैया फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्या करेंगे, देखो पौधे जो होते हैं, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ATP बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ATP बनाते हैं, ATP मतलब ऊर्जा, प्रकाश की उपस्थिति में ATP निर्माण। अब देखो ध्यान दे भी क्या है, देखो फोटो यानी प्रकाश और ATP के निर्माण को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। पहला कार्य क्या था भैया, प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 व जल को ग्रहण करके भोजन ग्लूकोज बनाते। दूसरा कार्य है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो भैया प्रकाश की फोटो यानी प्रकाश और फॉस्फोराइलेशन करते ATP का निर्माण, ऊर्जा बनाते। तीसरा कार्य भी है इसके अंदर, पौधे जो होते हैं पर्ण को हरा रंग, पर्ण यानी पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। तो भैया पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं, ये तीन कार्य भैया, तीन बहुत हैं। एक और होता है पर वो अभी यहां समझ में नहीं आएगा, जब हम पराक्सीसोम पढ़ेंगे तब बोलेंगे। तीन कार्य, पहला प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधे CO2 जल को ग्रहण करते हैं, प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। दूसरा भैया फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो यानी प्रकाश, फॉस्फोराइलेशन करते हैं ATP निर्माण। तीसरा भैया पौधों या पर्ण को हरा रंग प्रदान करना, ये तीन कार्य हो गए भैया। फिर एक बताया था भैया इसमें एक नोट लगा रहे भैया, कल भी बोला था हमने, देखो जो हरित लवक होता है, इस हरित लवक को दो नाम दे रखे भैया, इसको एक तो अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहते, अर्ध स्वायत्त शासी अंग का नाम है भैया सेमी ऑटोनोमस, ये कहते भैया अर्ध स्वायशासी अंग। अर्ध स्वायशासी करते इनमें स्वतः जनन होता है, अपने आप जनन होगा भैया, एक हरित लवक से दो हरित लवक अपने आप बन जाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब ये कोशिका के अंदर होंगे। यानी स्वतः जनन तो होता है लेकिन स्वतंत्र जनन नहीं होता है भैया, ध्यान देना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हरित लवक को अर्ध स्वायशासी अंग क्यों कहते भैया, सेमी ऑटोनोमस अंग क्यों कहते,
क्योंकि इसमें स्वतः जनन होता है। किसी कोशिका के अंदर हरित लवक के एक ये अपनी संख्या खुद बढ़ा रहा है भैया, अपनी संख्या खुद बढ़ा रहा है स्वतः स्वतः। लेकिन कोशिका के बाहर निकालेंगे तो भैया ये अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगा, यानी स्वतः जनन तो होता है लेकिन स्वतंत्र जनन नहीं होता है। यानी आधे काम हो रहे हैं और आधे नहीं हो रहे हैं। कोशिका के अंदर तो संख्या बढ़ा रहा है, जनन कर रहा है, संख्या बढ़ा रहा है। अच्छा बताओ ये क्यों करता है? क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ही करेगा, जिसमें स्वयं का डीएनए होगा वो स्वतः जनन करता है, लेकिन भैया स्वतंत्र नहीं, कोशिका के अंदर ही करेगा, कोशिका के बाहर नहीं। तो ये बताया भी यहां तक ये। और कारण क्या है भैया इसका? इसका कारण है भैया इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए उपस्थित है। कारण बता रहे भैया डीएनए उपस्थित है, कोई दिक्कत है? तो भैया देखो दिक्कत है तो भी यहां तक जो ये वर्ड भी है इसमें, इसके आगे तो अपन बोलेंगे नहीं नीचे। ये बताया भी हरित लवक को अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहते हैं। उसका कारण बताया क्योंकि इसमें डीएनए होता है, डीएनए की वजह से क्या होता है? स्वतः स्वतः जनन होता है लेकिन स्वतंत्र नहीं। इसके बाद भैया जो हरित लवक होता है इसको कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं, कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं। अब कोशिका के भीतर कोशिका क्यों कहते हैं? देखो यहां पर इसका, इसको भैया हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर कोशिका। अब क्यों कहते हैं सुनना भैया, क्योंकि जब अपन हरित कोशिका होती ना, इस कोशिका के अंदर हरित लवक, अरे कोशिका तो ये देखो खुद तो कोशिका है, इसके अंदर हरित लवक जो है इसको भी कोशिका कह रहे। क्यों कह रहे? जब इसके अंदर से ये हरित लवक निकालते हैं तो भी ये जिंदा रहता है, बस संख्या नहीं बढ़ेगा, जिंदा तो रहेगा। जब कोशिका के अंदर ये पाया जाता है और बाहर निकालते हैं तो भी जीवित रहता है, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए। तो भैया हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए, कोशिका से बाहर निकालोगे तो भी जीवित रहेगा। और फिर बता रहे हैं कोशिका को, हरित लवक को अर्ध स्वायत्तशासी कहते हैं क्योंकि इसमें भी डीएनए। भाई कारण तो डीएनए ही है, स्वतः जनन होता है लेकिन स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतः होगा तो क्या कहेंगे? आधा स्वायत्त स्वतंत्र। तो भैया स्वतः जनन होता है लेकिन स्वतंत्र नहीं, तो क्या कहेंगे? अर्ध स्वायत्तशासी अंग। तो भैया ये हो गया भी, कल जो हरित लवक पढ़ रहे थे उसके बारे में हो गया ये। अब एक क्वेश्चन आता है भैया, भैया यहां तक सारे नोट दे चुके हैं, सब चीजें लिखी हुई है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है इसकी। हरित लवक के कार्य हो गए भैया, पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा फोटो फॉस्फोराइलेशन और तीसरा पौधों को या पर्ण को हरा रंग प्रदान करना। फिर हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं और अर्ध स्वायत्तशासी अंग भी कहते हैं। और कारण वही भैया डीएनए पाया जाता है, डीएनए है तो भैया अर्ध स्वायत्तशासी अंग ही, तो डीएनए के कारण अर्ध स्वायत्तशासी अंग। अब आगे सुनना भैया, एक क्वेश्चन आता है भैया इसमें, देखो क्वेश्चन क्या है भैया इसमें, क्या कारण है कि कच्चे टमाटर व हरी मिर्च पकने के बाद लाल हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी 11वीं तो बोर्ड होने वाली है तुम्हारी। तो भैया देखो क्या कारण है कच्चे टमाटर और हरी मिर्च पकने के बाद लाल हो जाते हैं? तो देखो आंसर देखना भैया, भैया देखो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि केमिस्ट्री का टाइम 11 बजे, तो उनसे बोल के यार 11:30 करवा दो, उसमें दिक्कत क्या है, उनको कोई परेशानी थोड़ी ना होगी भाई, किसी के अपन दूसरे सब्जेक्ट को तो डिस्टर्ब कर नहीं रहे, अपन ने तो शुरू से इसी टाइम पे पढ़ा रहे हैं। तो देख लो भैया, देखो तुम्हारे को तुम्हारे नंबर प्यारे हो तो कर लो, नहीं तो क्लासें तुम्हारी छूटेगी। अपना टाइम तो ये रहेगा भाई, अपना टाइम ये है कि 10:20 से कल से 10:20 पे स्टार्ट कर देंगे, तो 11:15 छोड़ देंगे यार, तो उनसे बोलो 11 की जगह 11:15 कर लो, क्या दिक्कत है? और फिर आपकी इच्छा है भैया, या बायो पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है, केमिस्ट्री कितनी भी पढ़ोगे तो भी नंबर तो भैया 90-92 ऐसे ही आएंगे, और बायो में तो अपन अभी तक हर साल 100 में 100 दे रहे हैं भैया,
और केमिस्ट्री में किसी के भी 100 नंबर नहीं थे इस बार। और एक बच्चे के थे तो वो तो भैया बायो का तो नहीं था, वो तो एग्रीकल्चर बायो का था, रोहित नागर, वो अपने यहां भी था। चले ध्यान दे भैया, क्या कारण है कच्चे टमाटर व हरी मिर्च पकने के बाद लाल हो जाते? कारण देखो क्या भैया, कच्चे टमाटर और ये हरी मिर्ची भैया, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा रंग है? पर्णहरित। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। अच्छा दूसरा कारण सुनना भैया, जो बोला था बायो में ध्यान क्यों देना है, फिजिक्स के आएंगे 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 45, नीट की बात कर रहा हूं, और बायोलॉजी के आएंगे 90 क्वेश्चन। नहीं हो तो भैया नेट पे सर्च कर लेना, यदि जानकारी नहीं हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला दोगे तो जाके बायोलॉजी के बराबर क्वेश्चन आएंगे 90। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद होनी चाहिए जो अपन पढ़ रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, 20% तो एक्स्ट्रा पढ़ ही रहे हैं, पुराने 15-20 साल के नीट के पेपर सारे सोल्व कर रहे हैं, एम्स के भी, अब तो दोनों एक ही हो गया तो अपन नीट ही बोलेंगे। तो देखो कच्चे टमाटर और हरी मिर्च में इसका कारण क्या भी है, इसके हरे रंग का कारण है पर्णहरित, ये देता है भैया हरा रंग। अब जब ये परिपक्व होंगे, जब टमाटर और हरी मिर्च परिपक्व होने पर, जब ये परिपक्व होते हैं तो इनके परिपक्व होने पर जो क्लोरोफिल होता है ये दो भागों में टूट जाता है। क्लोरोफिल दो भागों में टूट गया, एक तो कैप्सेंथिन और एक लाइकोपिन। देखो कोई पूछे भैया टमाटर हरे हैं, मिर्च हरी है, कच्चे टमाटर, तो उसका कारण क्या, पर्णहरित, हरा रंग होता है। और जब ये पक जाते हैं तो भैया इसका हरा रंग गायब हो गया, देखो टमाटर लाल हो गए, मिर्च भी लाल हो जाती है, तो उसका क्लोरोफिल, उसका विघटन हो चुका है भैया, विघटन नष्ट हो गया, ये दो भागों में टूट गया, कैप्सेंथिन और लाइकोपिन, यानी हरा रंग तो गया। अब ये इसमें लाल रंग का कारण क्या है, इसमें ये तो विघटन हो गया, दूसरा भी है इसमें एक पदार्थ बढ़ता है कैरोटिन, कैरोटिन की मात्रा बढ़ती है और कैरोटिन की वजह से लाल रंग आता है। कल बताया था लाल रंग का कारण कैरोटिन, पीले रंग का कारण जेंटोफिल, कल बताया ऐसा। तो देखिए ध्यान देना भैया, कच्चे टमाटर और हरी मिर्च पकने के बाद लाल क्यों हो गए, पहले इसका हरा रंग तो उड़ाएं, पता हरे रंग का कारण कौन है, पर्णहरित क्लोरोफिल हरा रंग है, इसका विघटन हो गया कैप्सेंथिन और लाइकोपिन में तो हरा रंग तो गया, और अब लाल कैसे होंगे, किसकी मात्रा बढ़ेगी, कैरोटीन की मात्रा बढ़ती है जिससे रंग हो जाता है लाल। तो क्या बताओगे आंसर, जब टमाटर और हरी मिर्च पकते हैं तो उनका क्लोरोफिल कैप्सेंथिन और लाइकोपिन में टूट जाता है जिससे हरा रंग समाप्त हो जाता है, और साथ में कैरोटीन की मात्रा बढ़ती है जिसकी वजह से टमाटर और मिर्च पकने के बाद लाल हो जाते हैं। तो ये आओ इम्पोर्टेंट, यदि राजस्थान बोर्ड तुम्हारी 11वीं बोर्ड हो गई, होएगी सही 100 में से 99%, जो अभी तक नहीं पढ़े ना सोच रहे कि भाई बाद में पढ़ लेंगे बाद में। देखो अपना पहला लेसन हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट 8वां लेसन चल रहा है। तो ये भैया देखो कारण, अब भैया अब हरित लवक पूरा हो गया, अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब चीजें नोट्स में मिल जाएंगी भैया तुम्हारे को, अभी तक नहीं लिखा होगा तो आगे वाले अगले पेज पर जाएगी यदि नहीं होगा तो, लेकिन भैया नोट्स पढ़ते जाना, नोट्स पढ़ते जाना भैया। हो अब भैया अब शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करने जा रहे हैं भैया, कल हरित लवक के एक डायग्राम के बहुत सारे बनाए थे, एक एक की समझाई, जो नहीं पढ़ा था वो मूर्ख मूर्ख ही था भैया, डर्टी फेल होता भैया। माइटोकॉन्ड्रिया को भैया हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है सूत्र कणिका। अब भैया इसके खोज के बारे में बता रहे भैया, इसको सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था भैया, तो भैया सबसे पहले कोलिकर ने देखा, तो भैया इसको देखने वाला वैज्ञानिक था कोलिकर।
इसके बाद भैया फ्लेमिंग, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक है भैया, फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया। फाइला वास्तव में एफ आई एल ए, भैया फिला बोल दो, फाइला बोल दो, फिला या फाइला नाम दिया। उसके बाद है भैया आल्टमैन, आल्टमैन ने आकर के, आल्टमैन ने इसका नाम रखा भैया बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद है भैया तुम्हारा नाम आ गया भैया बेंडा, बेंडा भैया बेंडा ने इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया, इसने आकर के सही नाम दिया था भाई माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। देखो भैया माइटोकॉन्ड्रिया शुरू कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी वर्ड भैया क्या, सूत्रकणिका। सबसे पहले कोलीकर ने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, इसके बाद भैया फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। आल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया, उसके बाद बेंडा ने सही नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो इसका जो नाम है भैया, इसने तो नामकरण किया था, यानी इसने तो देखा था, ये भैया खोज का श्रेय इन दोनों को दिया जाता है भैया, खोज का श्रेय इन दोनों को दिया जाता है, आल्टमैन और फ्लेमिंग को, और नामकरण का श्रेय इसको दिया जाता है, ये नामकरण दिया या नामकरण किया। देख लो भैया इसके खोजकर्ता हो गए, सारे खोजकर्ता हो गए भैया, इसके अंदर खोजकर्ता की बात पूरी हो चुकी भैया। अब आगे देखे, देखो ध्यान दे क्या पढ़ाती है पहले। अब ये इसके बाद में देखो ये हो गया, जैसे ये तो इसकी खोजकर्ता के बारे में हो गया। अब कुछ खास बातें देखो, सामान्यतः देखो एक कोशिका के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, पर एक कोशिका ऐसी है जिसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे तो भैया बहुत सारे होते। तो देखो यहाँ एक नाम बता रहे भैया, माइक्रोस्टेरिया शैवाल। देखो मैं ना एक्स्ट्रा में वही ले जाऊंगा आपको, देखो मेन नाम याद करना है बेंडा, इनमें से एक नाम याद कर लो जो नीट में एम्स में दोनों में है, बाकी तो नहीं है, और बाकी अगले वाले भी नीट वाले बता रहा हूं। माइक्रोएशिया शैवाल में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है भैया, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया। और अगला बता रहे भैया केओस, केओस अमीबा में, देखो ये अमीबा का नाम है, केओस, केओस नाम है इसका अमीबा का, केओस, केओस अमीबा में एक में बता रहे भैया 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब देखो कितनी परिस्थितियां चेंज हो गई, माइक्रोस्टेरिया शैवाल में तो एक माइटोकॉन्ड्रिया और केओस, केओस अमीबा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, 5 लाख पाए जाते भैया, ये नॉर्मल सी बातें बता रहे भैया। और सामान्यतः एक कोशिका में तो भैया 40 से 50 पाए जाते हैं, तो यहां लिख देंगे भैया सामान्यतः, सामान्यतः एक कोशिका में 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिपेंड करती है, कोई कोशिका ऊर्जा ज्यादा बनाती है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा होंगे। तो देखो सामान्य सी बातें बोल दिए भैया, सामान्य सी बातें, देख लो कोई समस्या हो तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर, कोई दिक्कत है भैया। तो देखो फिर देख लो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं, फिर बताया भैया सबसे पहले कोलीकर ने देखा, फिर भैया फ्लेमिंग ने फाइला या फिला नाम दिया, आल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया, और फ्लेमिंग और आल्टमैन को कहते हैं खोज का श्रेय देते हैं। इसके बाद भैया बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, तो भैया बेंडा का नाम फेमस है, बेंडा था, बेंडा किसको कहते हैं, पागल को। इसके बाद भैया माइक्रोस्टेरिया शैवाल में एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, केओस, केओस अमीबा में एक अमीबा में 5 लाख, सामान्यतः एक कोशिका में 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं,
दो बार बोल दिया है भाई, मेरे याद होने से क्या तुम्हारे, दो दो बार बोलूंगा, तीन बार बोलूंगा तुम्हारे को याद होंगे। मैं तो, मेरा तो उद्देश्य ही है तुम्हारे याद करो तुम। और एनसीईआरटी आ गई तो भैया कम से कम जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, लास्ट में आते आते लगभग ये तीन चार तो बच्चे हो जाएंगे, बोर्ड हो गया तो, क्योंकि हर किसी को अपने परसेंट। दूसरा भैया नीट में 90 क्वेश्चन, तो सोचो आप, सोचना आपको ही पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के 45-45 और पागल बना जाते हैं वो। शुरू में लेसन पढ़ाएंगे भैया एक एक 1.5-1.5 महीने में, फिर बाद में सारे खींच देते हैं एक साथ ही। तो देखो यहाँ भैया तो सामान्य चीज बताई मैंने, दिक्कत है क्या भैया? अब बताएंगे भैया इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलते हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी वही नाम देंगे जो हरित लवक को नाम दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी अंग, अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं। याद है ना भैया क्या था? स्वतः जनन तो होगा, स्वतः जनन उपस्थित, लेकिन भैया स्वतंत्र जनन नहीं होगा, स्वतंत्र जनन नहीं होगा। फिर बताएंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते, कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, देखो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। बताओ इन दोनों का कारण क्या है, अर्ध स्वायत्त शासी का हो या कोशिका के भीतर कोशिका का हो? कारण स्वयं का डीएनए, देखो डीएनए तीन ही जगह होता है, केंद्रक में तो होता ही है, गुणस्त्र होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, हरित लवक में भी होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों को अर्ध स्वायत्त शासी अंग और कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। भैया सामान्य बातें बोल दिए, इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ले लिया। अब ये इसकी संरचना पढ़ने जा रहे हैं अपन, संरचना मिटा देते हैं इसको भी यार, दो दो बार तो बोल दिया यार। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, बोला सर स्क्रीन शॉट हमारे से सही नहीं आ रहे। तो भैया स्क्रीन शॉट जैसे प्रवीण नागर ने बोला था, स्क्रीन शॉट हम यहां से भेज देंगे, अभी जब क्लास खत्म होगी उसकी थोड़ी देर बाद ही भेज देंगे अपन स्क्रीन शॉट, ठीक है? ताकि किसी बच्चे की समस्या नहीं रहे। देखो भले 11th हो या 12th हो, लास्ट में बच्चे तो अपने को ही याद करते हैं यदि नंबर ज्यादा आएंगे तो, और अपने ही आते हैं बायो में, कोई बराबर नहीं करता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल जोड़ोगे ना 90 से ऊपर वाले बड़ी मुश्किल से 70-80 निकलते हैं, जब उनके 70-80 निकलते तो अपने 150 निकले, पिछली बार उनके भी अब 50 रह गए तो अपने फिर भी 100 आ गए, 100 बच्चों के 90+। अरे 60% वाला भी 90 के ऊपर ले आता है बायो के अंदर, तो बस एक बार मन लग जाए भैया। ये हो गया, देखो अब इसकी संरचना पढ़ने जा रहे हैं भैया, देखो संरचना क्या पढ़ेंगे भैया, सामान्य बातें बोल दी, अब इसकी संरचना समझना। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, दोहरी झिल्ली जैसे कल हरित लोगों में बताया था, बताओ बाहर वाली झिल्ली का नाम क्या होगा? बाह्य लवक के नहीं, बाह्य माइटोकॉन्ड्रिया ले, आप बाह्य लवक के क्या बता रहे हो? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बना के बता रहा हूं, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बना रहे भैया अपन।
अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होगी वो समझने वाली बात है। देखो देखो एक धागे नुमा संरचना बता रहे, कभी को नाम क्या है सूत्र कणिका, यानी छोटा पतला धागा बता रहे भी है इसके अंदर। अब देखो बाहर की तरफ डबल आवरण बता रहे भी है इसके अंदर। देखो ये बताएंगे बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, याद करना लवक में क्या थी, हरित लवक में बाह्य लवक ही है, और ये भी है बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, ये तो है बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, और ये होती है सतत। सतत का अर्थ होता है भैया इसके ऊपर कोई उभार नहीं है। इसके अंदर की तरफ जो होती है भैया ये होती है ये अंत माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, और ये होती है भैया असतत। असतत का अर्थ है इसके ऊपर उभार होंगे उभार। बाहर वाली बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली बता रहे भैया, देखो इस तरह से ही बताई बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, अंदर वाली अंत माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, बाहर वाली सतत होती है कोई उभार नहीं होते, अंदर वाली जो होती है असतत होती है, और देखो इसके ऊपर उभार बताएंगे भैया। देखो अंदर की तरफ ये इसके ऊपर उभार बता रहे भैया, ये उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को कहते हैं क्रिस्टी। ये उभार दिख रहे हैं भैया, हो ये जो उभार होते हैं भैया इनका नाम होता है क्रिस्टी। तो देखो भैया अंदर वाली झिल्ली असतत है असतत, बाहर वाली तो सतत, अंदर वाली असतत, और इस असतत झिल्ली जो होती है भैया इसके ऊपर उभार पाए जाते हैं उभार, अंगुली समान उभारे भी है, इनका नाम है क्रिस्ट्री। अरे भैया देखो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए बहुत सारे, और यदि एक होती इसका जो एक वचन होता है उसको कहते हैं भैया क्रिस्टो। देखो यदि ये एक ही होता ना, एक उभार होता तो क्रिस्टो, और बहुत सारे उभार हैं तो क्रिस्टी, और इनके बीच में यहां पर अंत माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा होता है भैया, ये द्रव, ये जो द्रव होता है भैया इसको कहते हैं यहां पर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है भैया, मैट्रिक्स को कहते हैं आधात्री। याद रखना हरित लवक के अंदर इसके जो द्रव भरा था वो था स्ट्रोमा, हरित लवक के अंदर भरा हुआ तरल स्ट्रोमा कहलाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स। देखो हरित लवक के अंदर जो भरा हुआ द्रव था उसका नाम स्ट्रोमा क्यों रखा, क्योंकि उसमें ग्रेनम या पटलिकाएं थी। क्या इसके स्ट्रोमा में कोई झिल्लीदार संरचना है? नहीं है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया के तरल में कोई झिल्लीदार संरचना ग्रेना नहीं है तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। यदि इसमें ग्रेनम पटलिकाएं आ जाएं तो फिर नाम हो जाएगा इसका स्ट्रोमा। तो हरित लवक के अंदर भरा हुआ द्रव कैसा होता है? स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स या आधात्री। देख लो कोई समस्या हो। फिर भैया इसके अंदर जो होता है इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो ये राइबोसोम पाए जाते, और भैया जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S, जानते हो भैया 70S। अब केंद्रण यंत्र होता है उसमें गोल गोल मिक्सी की तरह होता है, गोल गोल चक्कर लगाएंगे कितने 70S है, 70 चक्कर लगाने के बाद नीचे पात्र में बैठ जाएंगे। अब केंद्रण यंत्र में 70 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठते हैं, तो 70S राइबोसोम 70S हो गए। हरित लवक में भी सेम था। इसके बाद बताएंगे भी यहां पर इसका डीएनए बताने जा रहे हैं। देखो इसके अंदर यहां से ये इसका डीएनए, यानी हरित लवक के जैसे यहां भी डीएनए भैया ये होता है भैया छोटा, छोटा होता है भैया ये डीएनए, छोटा भी होता है, और खास बात है कि भाई ये एक सूत्री होता है। इसका डीएनए कैसा होगा भैया? एक सूत्री। तो डीएनए छोटा है एक सूत्री है, और जबकि भैया हरित लवक में कैसा था?
छोटा वृत्ताकार द्वि लड़ी, यानी दो धागे थे। और यहां कितने धागे भैया? एक सूत्री है, यहां पर एक सूत्री डीएनए पाया जाता है, तो बहुत विशेष है भैया। और वृत्ताकार तो यहां भी कह दो। अब इतना सा बता दो भैया, हरित लवक का डीएनए कैसा था? छोटा वृत्ताकार द्वि लड़ी। और यहां कैसा है? छोटा वृत्ताकार एक सूत्री। और इसके डीएनए का नाम है भैया माइटोडोम, इसको आनुवांशिक सूचना भी कहते हैं। ये आनुवांशिक सूचना है भैया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की आनुवांशिक सूचना को कहते हैं माइटोडोम। तो देखो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ रहे थे, क्या क्या बताया था? देखो, बाहर की तरफ बाह्य माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली जो लगातार सतत है, अंदर की तरफ अंतर माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली जो असतत है। इसके ऊपर उभार पाए जाते हैं। देखो ये उभार, इन उभारों का नाम है क्रिस्टी, बहुत सारे हैं। तो क्रिस्टी एक होता तो क्रिस्टो। फिर बताएंगे इसके अंदर भरा हुआ द्रव क्या है भैया? आधात्री या मैट्रिक्स। इसका नाम आधात्री क्यों है? क्योंकि इसमें भैया ग्रेनम नहीं है, पटलिका नहीं है। हरित लवक में यहां ग्रेनम थी, तो इसका नाम, द्रव का नाम क्या था? एस्ट्रोमा। हरित लवक के अंदर एस्ट्रोमा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स। अंदर 70 एस वाले राइबोसोम है, जो 70 चक्कर लगा करके पात्र में नीचे बैठ जाएंगे। और फिर बताएंगे भी इसके अंदर स्वयं, देखो 70 एस वाले राइबोसोम हो गए, स्वयं का डीएनए पाया गया। छोटा है, एक सूत्री है, वृत्ताकार है। हरित लवक का कैसा था भैया? छोटा वृत्ताकार द्वि लड़ी। द्वि लड़ी यानी एक लड़ी तो ये वाली, दूसरी लड़ी ये वाली। तो भैया कल हरित लवक की आनुवांशिक सूचना का नाम क्या था? प्लास्टिडोम। हरित लवक के डीएनए का नाम प्लास्टिडोम, और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का नाम क्या है? माइटोडोम। लैंग्वेज भी आएगी भैया, हरित लवक के आनुवांशिक सूचना का नाम क्या होता है? प्लास्टिडोम, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोडोम। तो भैया ये हरित लवक के बारे में बताया भी हमने, इसके अंदर थोड़ा सा इसको गोलाई में बना देते हैं भैया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र हुआ भैया, चित्र तो और भी बना के बताएंगे अपन। अब इस डायग्राम को थोड़ा अलग एंगल से पढ़ते हैं अपन, अलग तरीके से डायग्राम बना रहे। देखो कैसे, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की दो झिल्लियां बता दिया, थोड़ा सिंपल डायग्राम बता रहे हैं। देखो सिंपल डायग्राम बनाएंगे अब अपन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डबल झिल्लियां पाई जाती है, डबल आवरण देखो पाए गए। बाहर वाली झिल्ली का नाम क्या था भैया? बाहर वाली झिल्ली का नाम था बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। ये बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। अंदर वाली का नाम है भैया अंतर माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। दोनों के बीच में खाली स्थान है, बताओ बताओ बताओ। अरे परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, यानी इसका नाम है भैया परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। कल हरित लवक में क्या था? हरित लवक में पेरी प्लास्टिडियल अवकाश, परी लवक के अवकाश। अरे वो लवक में था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सभी बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, अंतः माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, और खाली स्थान का नाम क्या है? परी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। अंदर भरा हुआ द्रव बता दो भैया, कल हरित लवक में क्या था? स्ट्रोमा। पर आज यहाँ क्या है भैया? मैट्रिक्स। अंदर भरा हुआ तरल क्या है भैया? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हो गया आधात्री। फिर देखो भैया, अंदर वाली, देखो बाहर वाली झिल्ली तो होगी सतत, अंदर वाली झिल्ली होगी असतत। अंदर वाली झिल्ली पर देखो ये उभार बना रहे भी है इस तरह से, अंदर वाली झिल्ली पर उभार बना रहे। बताओ इन उभारों का नाम क्या है? ये जो उभार पाए जाते हैं भैया, इन उभारों का नाम है यहां पर क्या? एक होगा तो क्रिस्टो, और बहुत सारे बनाए तो क्या है भैया? ये है यहां पर क्रिस्टो। एक होगा तो क्रिस्टो, और बहुत सारे हैं तो क्रिस्टी। अरे सेम वही है, देखो बाहर की तरफ बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल, अंदर वाली का नाम अंतर माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। अंदर भरा हुआ तरल क्या है भैया? मैट्रिक्स या अदात्री।
और फिर भैया इसके अंदर अंदर वाली झिल्ली पर जो होता है उभार पाए जाते हैं उनका नाम है क्रिस्टी। इसके अलावा भैया यहां पर क्या होगा, ये राइबोसोम बना रहे भैया, ये राइबोसोम। देखो सेम वही डायग्राम है, थोड़ा सरल है, एनसीआरटी में ये बना हुआ है, राजस्थान बोर्ड में चलेगी, बाकी अपन सरलता की दृष्टि से देख रहे हैं। राइबोसोम कितने वाले हैं भैया, 70S। इसमें देखो इसका डीएनए, ये डीएनए पाया गया भैया इसके अंदर, ये डीएनए पाया गया। तो सब चीजें हो गई भैया, सेम वही डायग्राम अलग तरह से बता दिए भी यहां पर, बताओ दोनों चित्र काहे के। ये भैया माइटोकॉन्ड्रिया चित्र है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में नाम है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाया। इसमें पूरा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सामने का दिख रहा है। अब भैया मैं ना इसे एक और इतना सा डायग्राम बनाऊंगा भाई, इतना सा, ये इतना सा एक क्रिस्टी का बनाऊंगा डायग्राम। देखो ध्यान देना आप, ये एक उबार बनाया भैया मैंने, इस एक उबार का नाम है भैया, ये एक क्रिस्टी का डायग्राम बना रहे हैं। तो एक होगा तो क्या कहोगे भैया, क्रिस्टो। देखो बहुत सारे होंगे तो क्रिस्टी, एक होगा तो क्रिस्टो, ये एक बना दिया भैया इस तरह से। ये क्रिस्टो बना दिया भैया, एक है तो क्रिस्टो। और इस क्रिस्टो के ऊपर बहुत सारे कण पाए जाते हैं भैया, देखो ये बहुत सारे कण बना रहे हैं ये बहुत सारे कण बना रहे भैया अपन क्रिस्टो के ऊपर या क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे कण पाए जाते हैं इस तरह से। ये जो कण होते हैं भैया इनका नाम होता है, ये कण होते हैं इनको कहते हैं F1 कण, या इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। ये ऑक्सीसोम, ये जो ऑक्सीसोम होते हैं भैया ये 85 एंगस्ट्रोम व्यास के होते हैं, 85 एंगस्ट्रोम व्यास के ये इनका व्यास। और दो के, ये दो पाए जाते हैं भैया, इन दो के मध्य की दूरी ये होती है भैया 100 एंगस्ट्रोम। अरे भैया बहुत सिंपल बताया, बताओ काय का डायग्राम बनाया, इसमें बहुत सारे उबारे थे, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रिस्टी बहुत सारे, दो एक इतना सा डायग्राम अलग बना के बताया भैया, ये एक है क्रिस्टो। इसके ऊपर देखो कण पाए गए, कणों का नाम क्या है, F1 कण, ऑक्सीसोम। कितना व्यास होता है भैया, 85 एंगस्ट्रोम व्यास है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर पाए जाते हैं भैया, 100 एंगस्ट्रोम की दूरी पर पाए जाते हैं, यही है भैया। इसके बाद ये ऑक्सीसोम को देखो तो ये इनके बारे में खास बात है भैया, ये जो ऑक्सीसोम होते हैं भैया ये ऑक्सीसोम टेनिस के रैकेट के समान होते हैं भैया। अरे टेनिस नहीं खेलते क्या भैया, टेनिस, तो भैया टेनिस के रैकेट के जैसे, टेनिस के रैकेट समान संरचना होती है, ये टेनिस का रैकेट होता है। देखो क्या क्या पाया जाता है भैया, नहीं दिख रहा तो भैया थोड़ा कैमरा सही कर देना भैया। ये इसमें पाया जाता है सिर, ये पाया जाता है भैया व्रंत, और ये पाया जाता है आधार। ये डायग्राम है भैया एक ऑक्सीसोम का, इस वाले का एक ऑक्सीसोम का डायग्राम ही। पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो एनसीआरटी में देखा दे रखा वो, फिर उसको सामने का दृश्य बनाया, उसके बाद भैया हमने इसके अंदर ये एक क्रिस्टो बनाया, बहुत सारे हैं तो क्रिस्टी एक क्रिस्टो बनाया, उसके ऊपर कण पाए जाते हैं भैया ऑक्सीसोम, फिर एक ऑक्सीसोम का व्यास होता है 85 एंगस्ट्रोम, और एक दूसरे से कितनी दूरी होती है 100 एंगस्ट्रोम, और कैसे दिखाई देते हैं टेनिस के रैकेट के समान, और क्या क्या होता है भैया देखो, सिर व्रंत आधार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया माइटोकॉन्ड्रिया का, ये वाला डायग्राम तो देखो, ये तो भैया एनसीआरटी में ये दे रखा है, जो अब आपने चलेगी एनसीआरटी चलेगी, ये वाला तो सभी को याद होना चाहिए।
देखो ये तो सभी को ही बना के आना है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जिसको 100 में से 100 चाहिए, जिसको भी यार डॉक्टर बनना है, भाई सभी ने बायो लिए, तो उसके लिए तो भैया ऐसा नहीं कि भाई केमिस्ट्री को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, बायो को ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। जिसने बायो के साथ धोखा किया, बायो उसके साथ डबल धोखा करती है। 12th में नंबर कम, और जिसकी बायोलॉजी कमजोर रह जाती है तो भैया नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। और किसी भी कोई बच्चा भी देखो, एलियन वाले भी पहले ये कहते हैं बायोलॉजी ज्यादा पढ़ो, 90 क्वेश्चन आएंगे। अब समझदार तुम हो या तुम्हारी अच्छी अच्छी परसेंटेज, समझदार बनो। केमिस्ट्री के पीछे बायो की क्लास छोड़ते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। खुद ही डॉक्टर बनने पे खुद ही उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, बताओ मत करो ऐसा। देखो दो वो होता ना भैया, धोखेबाज रे, तो धोखेबाज केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वाले हो जाएंगे देखो, और धोखा तुम खा जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? अरे भैया वो समस्या है क्या? समस्या तो मुझे बताया तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास, उसमें भैया मेरे हाथ में नहीं है, उनसे तुम बोल करके। अरे वो नहीं है तो केमिस्ट्री वाले तो 3 3 4 4 पढ़ा रहे हैं यार। बायो तो तुम्हें ले जाके यहीं आनी पड़ेगी, बाद में भी, अभी नहीं आओगे बाद में आओगे। नंबर चाहिए होंगे, नीट में सिलेक्शन चाहिए तो आना ही पड़ेगा देखो, बाकी अपनी अपनी इच्छा है यार, कोई जरूरी थोड़ा है। जिसको नंबर ही नहीं चाहिए होगा उसको काय को बुलाएंगे अपन। तो भैया स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो अब क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस कोशिका की सक्रियता पर। किसी कोशिका को ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। तो भैया सब इसमें दे रखा है, और माइटोकॉन्ड्रिया का आकार 1 से लेके 4.1 तो माइक्रोमीटर होता है, लंबाई होती है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई होती है भैया 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। तो देखो क्या क्या होता है, यहाँ विशेषताएं भी बोल देता हूँ भैया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है भैया? ये होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। चौड़ाई होगी 0.1 से लेकर के, या इसको 0.5 से लेकर 0.2 कर लो, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। और फिर बता रहे हैं एक विशेषता और भी, अब कितनी झिल्ली वाला कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और फिर भैया इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसके ऊपर डिपेंड है? कोशिका की कार्य की सक्रियता पर। तो ये तो यार बाद में क्या अपन सारे नोट्स भेजेंगे सही, लेकिन अभी समझो भाई, लंबा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है? जिस कोशिका को ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। बाकी अर्ध स्वायत्तशासी अंग है, कोशिका के भीतर कोशिका है, और संरचना मैंने पूरी समझा दी है, देख लो भैया। कोई समस्या है क्या? कल से क्लास का टाइम रखना भैया 10:20 पे फिक्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है बहुत लेट जुड़ते हैं 10:30, ताकि अपन 10:20 से लेके 11:15 तक पढ़ेंगे तो भी अपना 55 मिनट हो जाएगा, बहुत होता है इतना। तो फिर नोट्स तो लिखे हुए मिल ही रहे तुम्हारे को, ठीक है? इसके कार्य रहेंगे जो कल पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है भैया? कार्य क्या है? श्वसन। हरित लवक का कार्य क्या था भैया? प्रकाश संश्लेषण। इसका कार्य है श्वसन। फिर आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह, क्योंकि इसमें ऊर्जा का संचय होता है। पावर हाउस, शक्ति गृह, ऊर्जा का निर्माण होगा, संचय होगा। ये कार्य तो यही है भैया, बहुत है। बाय।